You are watching Cooksmart and I'm Sanjeev Kapoor. और anti-aging खाने की बात कर रहे हैं, बट खाने के अंदर जो green vegetables हैं ना, वो सबसे बढ़िया और green leafy vegetables जो हैं, वो बहुत ही बढ़िया होती हैं। अब उसमें स्वाद आ जाए, तो सब लोग खुश होते हैं। अब अगर आप healthy रहेंगे, तो आपकी उम्र जो है, वो लंबी भी रहेगी। तो जो green vegetables हैं, वो anti-aging जरूर मानी जाती हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या-क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। और जरा गार्लिक के स्वाद के साथ में इसको बनाएंगे। अच्छा, anti-aging में एक जो चीज होती है, वो कहते हैं कि ऐसी चीजें जो anti-inflammatory हैं, वो खानी चाहिए। वो कौन-कौन सी चीजें होती हैं? अब जैसे गार्लिक को anti-inflammatory भी माना जाता है। तो ये जो है, ये देखिए गार्लिक, गार्लिक को थोड़ा ढेर सारा गार्लिक चाहिए इसमें मुझे। तो गार्लिक लेकर स्लाइस कर लेते हैं हम, और इसको थोड़े से ऑयल के अंदर, ये गार्लिक ये लीजिए, और पालक जो है पत्ते अच्छी तरह से धो के, और इसको बस ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा गार्लिक के साथ में ये ले लिया। इसके साथ में ये मेरे पास ब्रोकली, ब्रोकली इसके अंदर, और फिर ये मेरे पास पक चॉय। ये जो है ये पक चॉय, ये भी बड़ी कमाल की सब्जी होती है। अच्छा, इसको जरा यहां से नीचे से, यहां पे थोड़ी सी मिट्टी कई बार रहती है, और ये अंदर वाले जो पत्ते हैं ना, ये थोड़े छोटे, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो अच्छी तरह से साफ करके फिर इसके अंदर डालेंगे हम। तो ये ले लिया, ये अच्छी तरह से साफ हो गया, ये इसके अंदर अच्छी तरह से साफ हो गया, इसके अंदर ये लीजिए। तो ये जो है, वाह, और इसके साथ साथ थोड़ा सा पानी इसमें, ये लीजिए। आंच तेज, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसको पकने में ज्यादा समय लगता नहीं है, थोड़ी सी कच्ची भी रहनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि गार्लिक मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इसके अंदर गार्लिक डाला है, और गार्लिक पहले जो हमने डाला, वो थोड़ा सा इसके अंदर हमने उसे गार्लिक को हल्का सा लाल किया, लेकिन इसमें जो फाइनली गार्लिक का स्वाद आएगा ढेर सारा, वो गार्लिक हम ऊपर से डालेंगे फिनिशिंग के समय, बताता हूं कैसे। अच्छा, इसके अंदर जरा नमक, नमक ध्यान से डालिए, और चाहे तो थोड़ा सा पेपर भी डाल सकते हैं। ये देखिए सब्जियां जो हैं, ये बस तैयार, और इसे हल्का सा बाइंड करते हैं हम ये कॉर्नस्टार्च के साथ में। कॉर्नस्टार्च में पानी डाला हुआ, और ये ले लिया कॉर्नस्टार्च, ये लीजिए, बस कॉर्नस्टार्च आ गया। ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो सब्जी है, जबरदस्त सब्जी तैयार, और इस समय इसके अंदर गार्लिक, ये देखिए, ऐसे जैसे बादाम के दाने। अगर आपको गार्लिक अच्छा नहीं लगता है, तो पहले इस गार्लिक को आप थोड़ा ज्यादा डाल के इसे पका लें, क्योंकि गार्लिक अब इस समय थोड़ा शार्प रहेगा, लेकिन अगर तेल में उसको पका लेंगे, तो जैसा प्याज रहता है ना, प्याज में हल्की सी मिठास आ जाती है, तो वैसे ही अगर गार्लिक का बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए आपको, तो पहले उसको तेल के अंदर भून लें। अगर शार्प फ्लेवर चाहिए, तो इस तरह से बाद में डालें। बस इसके अंदर और कुछ नहीं चाहिए हमें, इसको करते हैं बंद, और ये हमारे खाने के लिए तैयार, एकदम गर्मा गर्म। बस गर्मा गर्म बनाइए, गर्मा गर्म खाइए, ब्राउन राइस इसके साथ में स्टीम्ड हो, और ये सब्जी हो, फिर उम्र की किसको चिंता है। जी हाँ, एंटी एजिंग है।